हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट टू वीडियोस में हमने 115 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था उनका सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 116 टू 130। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन 116, द कलर कोड स्ट्रिप्ड ऑन अ कार्बन रेजिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड आ ब्राउन ग्रीन ऑरेंज एंड सिल्वर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमारे पास कार्बन कोड रजिस्टर्स होते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिप्स लगी होती है कलर की। इस टाइप का कुछ रजिस्टर होता है, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 स्ट्रिप्स होती हैं, एंड दीज 4 स्ट्रिप्स विल डिसाइड द रजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रजिस्टर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आपका ये प्लस टू क्लास के बेसिस पर क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, BBROY। इसको लर्न करने का तरीका भी है, BBROY, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अगर आपको प्लस टू का थोड़ा बहुत याद हो तो आप लोग ये चीज़ें रिवाइज किया करते थे, ऐसे याद किया करते थे कलर कोड को, या फिर आप अगर टीचर हैं तो आप बच्चों को सिखाते ही होंगे। तो इसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो 0 to 9 इसको नंबर दे दिया, एंड दीज आर द कलर्स फॉर द पर्टिकुलर सिंबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास कलर कौन कौन सा दिया हुआ था? एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, AB × 10⁻⁶ प्लस माइनस D%। ये जो होता है ये एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है, एंड दिस इज़ द टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस मतलब कि अगर रेजिस्टेंस 5 ओम का है तो वो 10 या 15% ऊपर नीचे हो जाए तो वह सहन कर लेगा उस रेजिस्टेंस को। तो जो डी लास्ट कलर होता है आपका गोल्ड सिल्वर, वो डिसाइड कर रहा है कि उसकी टॉलरेंस कितनी है। अब हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट स्ट्रिप किस कलर की थी? ब्राउन की, तो ए स्ट्रिप थी वो। सेकेंड बी स्ट्रिप ग्रीन की थी, सी स्ट्रिप ऑरेंज की, एंड डी सिल्वर की। ब्राउन के लिए टेबल से कलर नंबर देखो 1, ग्रीन के लिए हेयर 5, सी यानी ऑरेंज के लिए 3 या 3 लगा दिया, और सिल्वर के लिए हमारा 10%। ये अलग से होते हैं। अगर तीन ही स्ट्रिप हो, कोई भी स्ट्रिप ना हो, तो 20% आता है। तो ये हम आगे हमारा आंसर। बट अगर आप अपने ऑप्शंस देखो, 15 × 10⁻³ आ गया। यहाँ पर ऑप्शंस देखो, यहाँ पर लास्ट वाली स्ट्रिप के लिए कुछ नहीं रखा, दैट मीन्स इसका 1 आंसर है। अगर टॉलरेंस नहीं दिया आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट वाला एज इट इज लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वायर इज स्ट्रेस्ड टू डबल इट्स लेंथ, इट्स यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। यहाँ पर हमने क्वेश्चन करे थे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के, कि अगर किसी वायर को डबल कर दे या ट्रिपल कर दे, उसकी लेंथ चेंज कर दे, तो व्हाट विल हैपन देन। बट यंग्स मॉडुलस होता है, कोई भी मॉडुलस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। एंड वन मोर थिंग, कि हम कितनी लेंथ को इलांगनेट कर रहे हैं ये यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यंग्स मॉडुलस हमारा अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट, ये तीन टाइप के मॉडुलस हैं, प्लस वन क्लास की बुक में मिल जाएंगे आपको, यूनिट 7 में, वहाँ से देख सकते हो। नाउ मूविंग टू अर्थ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्लस टू क्लास का आ गया हमारा, वेव ऑप्टिक्स का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे एक क्वेश्चन हर बार पक्का आता है। इसकी फ्रिंज विड्थ है बीटा, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है आई नोट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस एक्स, यानी ये स्क्रीन है, यहाँ पर फ्रिंजेस बन रही हैं, दिस इज सेंट्रल फ्रिंज, इसकी आई नोट है फ्रिंज ब्राइटनेस इंटेंसिटी। तो यहाँ एक्स पॉइंट पे दूर जाके बताओ कितनी ब्राइटनेस होगी फ्रिंज की। तो उसके लिए फॉर्मूलाज होगा, मैंने सॉल्यूशन ही डाले हैं इस बार, ट्राई किया है कि आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ब्राइटनेस इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है दिस, आई नोट कॉस स्क्वेयर साई बाय टू, दिस साई या डेल्टा बोल लो आप, दिस इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2π/λ × path difference। ये फॉर्मूला याद कर लो, इस पर आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे फेज और पाथ डिफरेंस के ऊपर।
किसी ना किसी यूनिट से अलग अलग से बट मिलेगा क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर क्या होगा, अब हमें ये निकालना पड़ेगी इसकी वैल्यू। इसके लिए हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर आपने यंग्स डबल स्लिट कंप्लीट किया है तो आप जब वहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला आता है डी एक्स बाय कैपिटल डी। यहाँ पर जो स्मॉल डी है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और एक्स जो हमने लिया है सेंट्रल फ्रिंज से उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास। इसको इस इक्वेशन में पुट करवा देंगे। पुट कर दिया, यहाँ पर हमारा ये आ गया पाई एक्स। तो हमारे फॉर्मूले में है अगर हम ऑप्शंस चेक करें, बट ये चीज नहीं है। अगर इसको आप चेक करोगे और आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, तो ये आ जाएगा बीटा। तो ये हमारा लास्ट बनता है एंड दिस इज आर ऑप्शन नंबर, चेक कर लो कौन सा है ऑप्शन, फिर सी बनता है यहाँ से आंसर। तो बेसिकली सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होता है हमें कि हमें पता चल जाता है कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है साथ में। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। 2016 का पेपर चल रहा है, 18 एंड 19, ये तीन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में 60-60 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन आप सॉल्व करके चले गए ना, तो गारंटेड आपका पेपर निकल जाएगा। फिजिक्स वाला पार्ट तो ऑब्वियसली 90 मार्क्स वाला पार्ट तो आपको खुद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा 90 के लिए प्रिपेयर करती हूँ। मैं 60 वाले के लिए प्रिपेयर कभी नहीं करती, मैं सिर्फ पेपर सॉल्व कर देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टू क्यू। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू। पी को हम मान लेते हैं वी वन, क्यू को वी टू। कि पी से क्यू तक हम लेके गए, पी पे कितनी वोल्टेज थी 10 वोल्ट, क्यू पे -4। अगर हमें दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है वी टू माइनस वी वन। तो ये कितना आ गया -14। एंड V इज इक्वल टू W बाई क्यू। जब 10th क्लास में फर्स्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो उस टाइम ये फॉर्मूला बताया जाता है। तो यहाँ पे हमें W चाहिए, वर्क डन, V इंटू क्यू। V कौन सा यूज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने दोनों के बीच निकाला यानी -14। Q क्या है, टोटल चार्ज जो हम ट्रांसफर करवा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर करवा रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 100E, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है मल्टीप्लाई बाय ई। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹। साथ में ये -14 माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर इसको सॉल्व करेंगे दिस इज द आंसर। ये हमारा थर्ड ऑप्शन बनेगा। तो बेटर है आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो एलिमिनेशन ज़रूरी होता है ऑप्शंस में से कि कौन सा सही है कौन सा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑन ए स्ट्रिंग आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पार्टिकल्स हैं वो किसी स्ट्रिंग के ऊपर हैं, उनके बीच में दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। इफ़ द फ्रिक्वेंसी एंड स्पीड आर दिस 200 हर्ट्ज एंड 100 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब फेज डिफरेंस निकालने का एक ही फॉर्मूला है। मैंने अभी बताया था कि फेज डिफरेंस पे आपको दो या तीन क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2π/λ × पाथ डिफरेंस। अब जब दो पार्टिकल्स जिस दूरी पे हैं 20 सेंटीमीटर पे, वो उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हुआ, सो पाथ डिफरेंस इज 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ लैम्बडा को, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है वेवलेंथ, बट हमें वेवलेंथ निकालनी आती है। वेवलेंथ क्या होती है, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को, सबकी वैल्यूज यहाँ पुट करवा दी। पुट करने के बाद हमारे पास पाई को बाहर निकाल लेना, क्योंकि रेडियन की फॉर्म में निकालना है। आप ऑप्शंस भी चेक कर लेना किस फॉर्म में आंसर निकालना है। और 0.8 इसको सॉल्व करेंगे तो, सो 0.8 पाई इज द आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.8 पाई सेकेंड। और ये सारे मैंने आंसर की उसी से मैच किए हैं जो वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो सारे आंसर्स मैच ही हो रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आंसर्स सही मैच कर रही हूँ या नहीं।
जिस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होगा वो भी मैं आपको पर्टिकुलर बता देती हूँ कि इसका आंसर मैच नहीं होता। नाउ 121, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि होल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली वैलेंस बैंड में ही होल्स प्रेजेंट होते हैं। होल्स एक्चुअली क्या होता है, होल्स आर द होल इज अ प्लेस वेयर, मतलब होल एक उस जगह को बोलते हैं उस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी एफिनिटी छोड़कर गया होता है। सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पड़ा था और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गया, तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन था ना उतनी ही एफिनिटी का एक प्लस चार्ज आपको फील होगा, उसकी फोर्स फील होती रहेगी, पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं होगा, खाली स्पेस ही होगा। ऐसी जगह को जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी खल रही है थोड़ी देर के लिए, वो होल बन जाता है। तो होल इज इन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले आप मुझे ये भी बता देना, अभी ये पेपर की एक और वीडियो रहेगी उसके बाद ये पेपर ख़त्म हो जाएगा, कि नेक्स्ट पेपर आपको 2019 का करना है या 2018 का, उसकी ही वीडियोस अपलोड करूँगी, क्योंकि ये सब करने में ना टाइम लगता है, पूरी वीडियो बनाने में, देन रिकॉर्ड एंड अपलोडिंग सब में। सो प्लीज़ डू कमेंट कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट करना है, कौन सा पेपर करना चाहते हो आप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 0.12 एंड द रेजोल्यूशन लिमिट निकालनी है जहाँ उसकी वेवलेंथ दी है। अब इन तीनों में पर्टिकुलर डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैसे? रेजोल्यूशन लिमिट को हम लिखते हैं स्मॉल डी से, इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाय 2NA। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो इन मीटर्स, इसलिए 10^-10 लगा है। कभी भी जब वैल्यूज पुट करो तो सब SI यूनिट्स में चेंज होगा ही होगा, और न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो यूनिटलेस है, तो उसका 0.12। किसी किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा बाय NA। एक ही बात है, बस इसको सब टू को इसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दिस। ये आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये हमारा बन रहा है क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ 123, एक्सेस प्रेशर फोर्स टू सॉप बबल्स आर इन रेशियो 3:1, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। ये वाला हमारा जो है क्वेश्चन, ये +1 क्लास से है, यूनिट 7 से ही। यूनिट 7 बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, +1 क्लास में यूनिट 7 और यूनिट 10, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उनमें से बहुत क्वेश्चंस कवर भी करते हैं। जो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पर जब हम एक्सेस प्रेशर निकालते हैं तो वो इस तरह आता है कि वो प्रोपोर्शनल होता है आर के, यानी कि रेडियस के। ठीक है, अगर मैं रेडियस का क्यूब कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पर पी जो है प्रोपोर्शनल होएगा वॉल्यूम के, ऐसे। तो यहाँ पर ये 3:1 है, ये प्रोपोर्शनल है, तो 1:27 बन जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देखना, क्योंकि पहले क्यूब हो जाएगा रेशियो का, क्यूब करते ही 27:1 हो गया, बट ये इसके रेसिप्रोकल भी है, तो 1:27 इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 124 क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही है, कि हमें फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दी हुई है, ये होती है, तो उसकी फोर्थ ऑर्बिट निकालनी है। ये आपको +2 क्लास में मिल जाएगा, जब हाइड्रोजन एटम के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ रहे होते हैं, यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई में। यहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ पर हम रेडियस निकालते हैं हाइड्रोजन एटम का, आर एन क्या निकलता है, n² r0। आर नॉट क्या होता है, आर नॉट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, वो आपको दिया हुआ है आर नॉट की वैल्यू। एन की वैल्यू दी हुई है, फोर्थ ऑर्बिट है, यानी एन की वैल्यू क्या होगी, 4, यानी 4² और 0.5 इंटू दिस, ये कितना बन गया, ये आ गया 8×10^-10। अगर हाइड्रोजन एटम के केस में ऐसा कुछ हो तो हमेशा इसके प्रोपोर्शनल होगा, बस ये ध्यान रखना, या तो स्क्वेयर में या बिना स्क्वेयर के। तो इसके 2-3 फॉर्मूले हैं, वो देख लेना। ये जो क्वेश्चन है, ये आपका BSc लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ के जाते हैं बिल्कुल भी, तो
इसमें हमें तुक्का लगाना पड़ता है एज इन, बट फिर भी हम गेस कर रहे हैं या तुक्का लगा रहे हैं तो थोड़ा देख के करना चाहिए। फिर भी मैं बता देती हूँ इसका आंसर फर्स्ट है। यहाँ पर देखो सारी वैल्यू सेम है, कभी भी ना ऐसे क्वेश्चंस हो माइनस वाला लेना तो सेकंड और थर्ड तो काट देना, क्योंकि जब आप फर्मी एनर्जी की बात कर रहे हो, गैसेस की बात कर रहे हो, आप इतने बड़े स्टेट पे तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, आपको ये बचा और ये बचा, अब इसमें से कोई भी लगा लो 50% चांसेस हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बट इसका आंसर फर्स्ट है। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको तब भी याद रहते हैं अगर आपने रीसेंट पढ़े हों, अदरवाइज बिल्कुल नहीं याद रहता, क्योंकि आप प्रॉपर +1 और +2 के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, और वही करना चाहिए, क्योंकि 60 में से अगर आपके 50 मार्क्स भी आ गए तो वो इनफ होते हैं आपका पेपर निकालने के लिए। 50 अटैम्प्ट भी कर लिए मतलब 60 अटैम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन इंक्रीजिंग अ टेम्परेचर ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन द क्लोज कंटेनर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इट्स प्रेशर इंक्रीजेज बाय 0.4% द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो समझ लेना थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है, प्रेशर टेम्परेचर इंक्लूड हो रहे हो जहाँ। अब इसमें एक चीज़ है, जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं कि वो इंटरलेटेड चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो आपको 3 इक्वेशंस याद होंगी आपकी, चार्ल्स बॉल्स इक्वेशन वाली, तो वहां पर आपको एक वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, एक प्रेशर कांस्टेंट करते हैं और एक टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, और ये सभी इक्वेशंस आती हैं जहाँ। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आपको पता होना चाहिए दैट P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, P/T कॉन्स्टेंट होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि अगर इसमें बोला है कि P2 कितना इंक्रीज हुआ है, 0.04%, कितना था, 0.4%, अगर आपको आप उसको डिड्यूस करोगे तो उसमें इतना आ जाएगा 1.004 P1, और जो नया टेम्परेचर था वो पुराने टेम्परेचर के एक बड़ा था, प्लस कर दिया। अब आपको पता है P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 P2 बाय T2, P2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ और T2 की वैल्यू पुट कर दो, फिर यहाँ से P1 कट हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करवा लो तो ये बच जाएगी, यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 250 केल्विन। आपने यहाँ बेशक सेल्सियस में बढ़ाया है लेकिन आंसर केल्विन में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सैटेलाइट्स हैं आर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई दिस, ऑर्बिटल स्पीड पे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपके दो सैटेलाइट्स हैं, आपकी सपोज दो सैटेलाइट्स हैं 1 एंड 2, ये पहली सैटेलाइट ये सेकंड, दोनों मूव कर रही हैं, तो इसका यहाँ से रेडियस है, इसका इतना रेडियस है, दोनों की रेशियो दी हुई है और इनकी स्पीड की रेशियो निकालनी है, तो आपको रेडियस और स्पीड के बीच में क्या पता होना चाहिए, रिलेशन, यानी कि R1:R2 क्या है, 4:1। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू GM/R, GM क्या है, कॉन्स्टेंट, G इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, M इज फॉर मास, यानी कि जो हमारा वी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, √R के, यानी कि यहाँ पर अगर हम V1 और V2 के बीच में रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएगी, R2/R1 √, R2/R1 की वैल्यू क्या थी, 1/4, यानी 1/2, V1:V2 इज 1:2। तो क्वेश्चंस इजी होते हैं निकालने, अगर आप एनालाइज करोगे पेपर तो आपको पता चल जाएंगे कि 10-12 क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट वही आते हैं, स्टेटमेंट इधर उधर कर देंगे बट फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपके माइंड में फॉर्मूला बैठ जाए, पेपर में स्टेटमेंट चेंज हो जाके हो के आ जाएगी बट फॉर्मूला वही रहेगा। और HBSC मतलब हरियाणा बोर्ड इज ऑलवेज लाइक, अगर आप उसके पेपर भी एनालाइज करोगे ना बोर्ड्स के, तो ऑलमोस्ट हर पेपर में वही न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप एनालाइज ना कर पाओ पेपर में क्या कुछ आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट आई इज फ्लोइंग इन ए स्क्वेयर कोल कॉयल ऑफ साइड ए, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। ये क्वेश्चन या तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आता है या पोटेंशियल निकालने का आता है, तो देखते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों में आता है क्वेश्चन, सेम चीज़ें चलती हैं।
ये स्क्वायर है हमारा जिसकी साइड ए है, हमें पॉइंट पी पे क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ से सेम होगा, किसी एक का निकाल के फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें पता है ए सी कितना निकलेगा, ये भी ए है ये भी है, ए सी कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट टू, और ए पी कितना आएगा अंडर रूट टू ए बाय टू, टू से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पे ए की वजह से फील्ड निकाल लेंगे। बायट सवेट लॉ लगा है यहाँ पर, यूनिट थ्री ऑफ प्लस टू क्लास, वहाँ से बायट सवेट लॉ उठाया है, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय आर। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या दी हुई है, स्मॉल आई, और आर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, ए एंड बी के बीच में ये डिस्टेंस है अंडर रूट टू ए बाय टू। टोटल फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, इट इज़ बी मल्टीप्लाइड बाई फोर, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज आर आंसर। तो इसे देख लेना कहाँ से मैच कर रहा है, एंड दिस विल मैच टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर जाएगा एंड फर्स्ट इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, इसमें बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, उसमें वेवलेंथ डिक्रीज कर दी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा। देखो वेवलेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, इधर फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है या इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है। इंटेंसिटी क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाती है या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कम करती है इंटेंसिटी। बट वेवलेंथ से अब हम क्या करेंगे, एक चीज याद रखना, अगर वेवलेंथ कम हो रही है, सॉरी हाँ वेवलेंथ अगर कम हो रही है, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दैट इज फॉर श्योर। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब काइन जो उसकी वुड बी से दैट कि जो हमारी उसकी काइनेटिक एनर्जी है ना वो अफेक्ट कर रही है। अगर फ्रीक्वेंसी या स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो दैट मीन्स वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी पे अफेक्ट करती है, इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट करती है या करंट पे। तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी पे अफेक्ट होगा, तो दो ऑप्शंस तो पहले ही खत्म हो गए थे, अब ये देखना था इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज, तो दैट विल इंक्रीज, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, इफ द करंट इन द बल्ब इज डिक्रीज बाय 5% देन पावर विल बी डिक्रीज बाय, करंट है वो 5% कम हो गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि पावर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा। पावर के तीन फॉर्मूले हैं, वी आई, वी स्क्वेयर बाय आर एंड आई स्क्वेयर आर। तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि एक बल्ब की बात कर रहे हैं, बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज या करंट आपस में चेंज हो जाएंगी, उनमें चेंज चलता रहेगा, तो यहाँ पर आई ही नहीं है ये भी नहीं यूज होगा, तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अब इसमें क्या हुआ है, एरर आया है 5% का, तो डेल्टा आई बाय आई इंटू 100, पावर कितनी है 2 × 2, ये कितना है 5। देखो हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी इंटू 100/100 विच इज इक्वल टू, ये एरर वाले तरह ही निकलेगा, 2 × डेल्टा आई बाय आई इंटू 100, दिस इज, ये इसकी वैल्यू कितनी है 5%, 2 × 5, तो यानी 10% उसको डिक्रीज हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि फिनोमिना होने के बाद जब डिक्रीज है इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हम नहीं कर रहे वो अपने आप हो रहा है, इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, एरर की वजह से हो रहा है। मैं तो इसे हमेशा एरर फॉर्मूला लगा के करती हूँ और मेरा हो जाता है ये क्वेश्चन, हमेशा हो जाता है। सच बोलूँ मुझे इसके पीछे का फैक्ट नहीं पता, जिस दिन पता लगेगा बता दूंगी, बट यहाँ पर ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एंड प्लीज़ बता देना नेक्स्ट कौन सा पेपर करवाना है, अगर आप बताओगे तो बेटर होगा, वरना मुझे खुद ही चूज़ करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, थैंक यू।